नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, नवंबर खत्म होने वाला है और दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में अगर आपको दिसंबर महीने में बैंक से जुड़ा किसी प्रकार का कोई भी काम हो तो आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करवा लें, क्योंकि इस बार जो बैंक हॉलीडे लिस्ट निकाली गई है इसके अनुसार दिसंबर महीने में 15 दिन से ज्यादा जो है बैंक बंद रहने वाला है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन कौन से दिन हैं जिस दिन बैंक बंद रहेगा और साथ ही आपको क्यों जल्दी अपना काम दिसंबर महीने में निपटा लेना चाहिए। कुछ ही दिन में नवंबर का महीना खत्म हो रहा है और साल 2023 का आखिरी महीना शुरू होने वाला है। अगर आपको बैंक संबंधी कोई भी काम है तो आपको अभी निपटा लेना चाहिए, साथ ही आपको दिसंबर की बैंक हॉलीडे की लिस्ट देख लेनी चाहिए, क्योंकि अगले महीने में बैंक 18 दिनों के लिए बंद रहने वाला है। बैंकों की साप्ताहिक छुट्टियों से लेकर क्रिसमस की छुट्टियां रहने वाली है। वहीं आरबीआई ने दिसंबर का कैलेंडर जारी कर दिया है जिसके मुताबिक त्योहारों पर 11 दिन छुट्टी रहने वाली है, तो वही 7 दिन रविवार और शनिवार को कामकाज ठप रहने वाला है। बता दें, इन छुट्टियों के साथ ही बैंक हड़ताल भी होने वाला है और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन यानी AIBE ने पूरे देश में 6 दिनों के लिए हड़ताल करने को कहा है। विभिन्न बैंकों का ये हड़ताल अलग अलग डेट पर किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को पंजाब नेशनल बैंक PNB, पंजाब और सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI हड़ताल पर जाएंगे, तो 5 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, 6 दिसंबर को कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हड़ताल रहने वाला है। आपको बता दें, इंडियन बैंक, यूको बैंक 7 को और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8 दिसंबर को कामकाज ठप करेंगे। वहीं 11 दिसंबर को भी प्राइवेट बैंकों की हड़ताल रहेगी। बता दें, 6 दिन हड़ताल के अलावा RBI ने भी बैंकों के अवकाश का ऐलान किया है। ये छुट्टी अलग अलग राज्यों में पड़ने वाली है। 1 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य स्थापना दिवस के दिन बैंक हॉलीडे रहेगी। वहीं 3 दिसंबर को रविवार के कारण देश के सभी बैंक बंद रहने वाले हैं। 4 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल के कारण गोवा में बैंक बंद रहेंगे, तो 9 दिसंबर को महीने का दूसरा शनिवार के कारण बैंक हॉलीडे रहेगा। 10 दिसंबर को रविवार के कारण अवकाश रहेगा। 12 दिसंबर को पातोंगन नेगनमिजा संगमा के कारण मेघालय में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 13 और 14 दिसंबर को लोसुंग नामसुंग के कारण सिक्किम में बैंकों की रहेगी 17 दिसंबर को रविवार के कारण देश भर में बैंक बंद रहेगा। 18 दिसंबर को यू सोसो थाम की पुण्यतिथि के कारण मेघालय में बैंक बंद रहने वाला है, तो वहीं 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस के कारण गोवा में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। बता दें, 23 दिसंबर को चौथे शनिवार को पूरे देश में बैंक बंद रहेगा, तो वहीं 24 दिसंबर को रविवार के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। बता दें, 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण अवकाश रहेगा, तो 26 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में बैंक नहीं खुलेगा। 27 दिसंबर को नागालैंड में क्रिसमस के कारण अवकाश रहेगा, तो 30 दिसंबर को मेघालय में बैंक नहीं खुलने वाला है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को भी रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेगा। दिसंबर महीने में जहां एक तरफ बैंक हड़ताल पर बैठेंगे तो वहीं दूसरी तरफ जो बैंकों में छुट्टी है वो 18 दिन से अधिक की बताई जा रही है। तो अगर आपको भी बैंक से संबंधित कोई काम हो तो आप जितनी जल्दी हो सके बैंक जाएं और अपने काम को निपटा लें। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।